नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इन प्रधानमंत्रियों की कड़ियों में अब बात हम करते हैं इंद कुमार गुजराल जी की बायोग्राफी के बारे में। इंद कुमार गुजराल जी का हम जीवन परिचय देखते हैं इस लेक्चर में। इनके जन्म की बात करें तो इनका पूरा नाम है इंद कुमार गुजराल। इनका जन्म की बात करें तो 4 दिसंबर 1919 को इनका जन्म हुआ। इनकी जन्मभूमि रही है झेलम, ब्रिटिश भारत, वर्तमान में पाकिस्तान में चली गई है जन्मभूमि। पिता का नाम था अवतार नारायण गुजराल, इनकी माता का नाम था पुष्पा गुजराल और पत्नी थी शीला देवी, और इनके दो पुत्र थे। इनका कर्म क्षेत्र आया राजनीति। नागरिकता की बात करें तो इनकी नागरिकता थी भारतीय, और पार्टी के हैं एक कांग्रेस में पहले रहे, फिर जनता दल, और भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। इनके और देखते हैं, इनके इंदु कुमार गुजराल उस समय प्रधानमंत्री बने जब कांग्रेस की समर्थन वापसी के भय से संयुक्त मोर्चा सरकार ने नेतृत्व परिवर्तन की और उसकी मांग स्वीकार कर ली। तब HD देवगौड़ा को 10 माह के पश्चात प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने 21 अप्रैल 1997 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और इसी दिन इंद कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन यह भी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित नहीं कर सके। 19 मार्च 1998 को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इंद कुमार गुजराल लगभग 1 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। इनके जीवन की बात करें, इंद कुमार गुजराल के प्रारंभिक जीवन की बात करें हम लोग, तो इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम में हुआ, और झेलम वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। उनके पिता श्री अवतार नारायण गुजराल थे और माता श्रीमती पुष्पा गुजराल ने पुत्र रतन के जन्म पर हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की। उनके माता पिता दोनों देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। उनके माता पिता ही क्या कोई अन्य भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है कि उनके यहाँ जन्म लेने वाला शिशु आगे चलकर विश्व के विशाल लोकतांत्रिक देश भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रकृति ने श्री गुजराल के लिए परिस्थितियाँ पैदा की और उन्होंने सही समय पर सही दिशा में सदा अपना लक्ष्य संधान किया। इंदु कुमार गुजराल की शिक्षा DAV कॉलेज से हुई। उन्होंने स्नातक की परीक्षा कॉमर्स विषय से उत्तीर्ण की। हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर और फॉरमेन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से श्री गुजरात गुजराल ने PhD और DLLD की उपाधि प्राप्त की। अगली बात करते हैं हम लोग, 24 अप्रैल 1945 को श्री इंद कुमार गुजराल शीला जी के साथ पवित्र परिणय सूत्र में बंध गए। मतलब इनका शीला जी के साथ इनका विवाह हो गया 25 अप्रैल 1945 को। श्रीमती शीला गुजराल ने जीवन भर हर समय सरल और दुर्गम पथ पर अपने पति का भरपूर साथ दिया। मृदुभाषी और सौम्य स्वभाव की श्रीमती शीला गुजराल का साथ पाकर जैसे ही श्री गुजराल का जीवन सुमधुर झोंकों की बयार से सुगंधित हो उठा। जब इनके यहाँ क्रमशः रमेश श्री और नरेश गुजराल और श्री नरेश गुजराल और श्री विशाल गुजराल नामक दो पुत्र का जन्म हुआ, जैसे गुजराल दंपत्ति का मन उपवन ही खिल उठा। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें गुजराल जी के, तो उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से कर दी थी। वह लाहौर छात्र संघ के सदस्य थे और संघ के अध्यक्ष भी बने। श्री गुजराल ने परोक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में उन्हें जेल जाना पड़ा। जिस समय उनका जन्म हुआ, देश के चारों ओर अंग्रेजियों का भीषण दमन चक्र चल रहा था। जैसे जैसे श्री गुजराल बड़े होते गए,
उनकी आंखें अंग्रेजों के देशवासियों पर होने वाले अत्याचारों को देख देख कर व्याकुल होती रहीं। उनके हृदय में अपने देशवासियों के प्रति कोमल भावना समय समय पर विस्फुटित होती रही थी, जिनका वे अक्सर प्रगतिकरण भी करते रहते थे। विद्वान विचारक विचारवान विविध विषयों पर गहरी पकड़ रखने वाले श्री इंद्र कुमार गुजराल की विशिष्ट प्रतिभा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भरपूर सदुपयोग किया। इसी कारण गुजराल मार्च 1967 से मई 1976 तक के लगभग 10 वर्षों के सूच में सूचना प्रसारण संचार वर्क्स एवं हाउसिंग नियोजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी रहे। श्री गुजराल ने भारत के राजदूत के रूप में भी सफलतापूर्वक कार्य किया। वे 1976 से 1980 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत पद पर कार्यरत रहे। जब 1989-90 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में सरकार बनी तो इंद्र कुमार गुजराल को देश का विदेशी प्रभार सौंपा गया। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। अब 1996-97 में श्री एच डी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मैं भी गुजराल को विदेश मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। इंद्र कुमार गुजराल ने भारतीय विदेश नीति का सही अर्थों में उत्तरदायित्व निभाया। इसके अलावा गुजराल को इंडियन काउंसिल ऑफ साउथ एशियन को ऑपरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। वह 1996 में राज्यसभा के नेता भी बने। वास्तव में भारत की विदेश नीति का श्री गुजराल ने से गहरा संबंध रहा। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ नियमों को भी श्री गुजराल जी ने के नाम पर ही गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। यह उनकी विदेशी नीति की गहरी सूझबूझ और पकड़ का ही प्रभाव था। गुजराल जी विदेश नीति से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त करते करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम है ए फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया। तो याद रखिए, इंद्र कुमार गुजराल की ये पुस्तक है ए फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया। इस पुस्तक की अनेक पत्रिकाओं में मुक्त कंठ से सराहना की। श्री गुजराल के विदेश नीति पर आधारित लेखों की को हिंदी में प्रकाशित किया जाता रहा। इसके अलावा उनके लेख उर्दू भाषा में भी 2 भागों में प्रकाशित किए गए, ताकि उनके विदेशी संबंधों पर आधारित लोगों को उर्दू भाषी पाठक भी पढ़ सकें। 21 अप्रैल 1997 को भारतीय राजनीति का चरम लक्ष्य साधते हुए गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया, लेकिन उनका कार्यकाल महज 11 महीने का रहा। अपने कार्यकाल में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए उन्होंने अनेक समस्याओं का सटीक समाधान किया। अनेक देशों की यात्रा करते हुए उन्होंने भारतीय विदेश नीति को सही आयाम दिए। श्री गुजराल के कार्यकाल 19 मार्च 1998 को पूरा हुआ। इनके निर्धन की बात करें हम तो मृत्यु की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल की मृत्यु 30 नवंबर 1912 को 93 वर्ष की आयु में हुई हो गए। वे अपने राजनीतिक जीवन में पूर्णतः ईमानदार और अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहे। इनकी गिनती उन प्रधानमंत्रियों में की जाती है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को सदैव बनाए रखा। गुजराल की अंत्येष्टि में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी व अरुण जेटली सहित अनेक हस्तियां शामिल हुई थी। चलिए, तो ये थे हमारे इंद्र कुमार गुजराल जी।